महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए तहरीक जोरों शोर से शुरू की जा रही है। मुंबई के हज हाउस में मौलाना आजाद विचार मंच ने रुकन पार्लियामेंट हुसैन दलवई की क़यादत में मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे के तहत यकरोजा इजलास का इनेकाद किया। इजलास में 200 से ज्यादा गैर सरकारी तंजीमों ने मुस्लिम रिजर्वेशन की तहरीक को हिमायत देने का वादा किया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के बाद अब मुस्लिम आरक्षण के बारे में भी जो है वो आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई है। मुस्लिम रिजर्वेशन, मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया जाए, इस बारे में जो है वो राज्यसभा के मेंबर और कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई साहब ने जो एक मीटिंग रखी और यहाँ पर एक कृति समिति बनाई और यहाँ पर इनसे बात करते हैं कि मतलब क्या मकसद है आपका और क्यों आप चाहते हैं कि मतलब मुसलमानों को जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये मुस्लिम, ये तो सचर कमेटी है, ये है रंगनाथ कमीशन है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन है, उसके बाद यहाँ एक अभ्यासगत किया गया था स्टडी ग्रुप महमूद रहमान का, तो हर इसमें रिपोर्ट में ये बात आई है कि मुसलमान माशी हालात में बहुत बुरी हालत में रहता है, उनका उनको एजुकेशन नहीं मिलता, एजुकेशन में बहुत ही पिछड़ा है। तो ऐसी हालत में मुसलमानों के ये जो सवाल हैं, शिक्षा के सवाल हैं, उनके माशी हालात के सवाल हैं, उनके नौकरी क्या है, उनका घरों के हैं, उनकी एरिया के साफ सफाई के हैं, ये सारे सवाल अगर हल होने हैं तो उनको कहाँ ना कहाँ जो आज दलित और आदिवासियों के स्थिति पे हैं उनको वही उनको जैसा रिजर्वेशन मिलता है वैसा हम लोगों को भी रिजर्वेशन चाहिए। आपको रिजर्वेशन हम खाली 5% ही मांग रहे हैं। राज्यसभा में है, क्या कभी राज्यसभा में बात हुई है मुस्लिम आरक्षण को लेकर आपके जरिए? हाँ, हो गई है, बात हो गई है। फिर मुस्लिम दलित और क्रिश्चियन दलितों के बारे में कई बार बात हो गई है, नहीं ऐसा नहीं, कहाँ न कहाँ ये बात छेड़ी गई है। अभी इतने बड़े पैमाने पर मोर्चे होने के बाद जरा ज्यादा उसका एक हवा पैदा हो गई है, उसका फायदा हम लोगों को भी मिलना चाहिए, ये सोचना कोई गलत है ऐसा मैं नहीं समझता। सबसे अहम सवाल है, पहली बार मुसलमान अपने हक के लिए कहाँ न कहाँ रास्ते पे आ रहा है, उसमें दरार पैदा करना ये हमारा काम नहीं। मुस्लिम आरक्षण के बारे में जो है वो तहरीकें जो है वो शुरू होती दिखाई दे रही है। हुसैन दलवाई जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनका ये कहना है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर, मुस्लिम रिजर्वेशन के को लेकर तमाम के तमाम मुस्लिम तहरीकों से जुड़े लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। कैमरामैन राजमणि पिल्ले के साथ मुहिद्दीन, ईटीवी न्यूज़, मुंबई।